इस बात को समझाने के लिए मैं आप सबके समक्ष एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूँ मेरी केसेस में से। तो ये एक केस में जो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ये एक पेशेंट है जिसने मुझे संपर्क किया था क्योंकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि वो प्रेग्नेंट तो होती थी लेकिन किसी कारण से उनको वो मेडिकली टर्मिनेट कर देना पड़ता था, उनको एबॉर्शन करा देना पड़ता था। तो जैसा मैंने बताया, प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी का मतलब है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती थी पर हर थर्ड या फोर्थ मंथ में उनको एबॉर्शन कराना पड़ता था। एबॉर्शन क्यों कराना पड़ता था? तो इस प्रेगनेंसी को मेडिकली टर्मिनेट इसलिए करना पड़ता था क्योंकि उनके बच्चे में किडनीज फॉर्म नहीं होते थे। अब क्योंकि किडनी फॉर्म नहीं होते थे तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करके भी एंड रिजल्ट तो कुछ नहीं होता। अब जब ऐसा तीन बार कंटिन्यू हो गया, तीन प्रेगनेंसी हुई और तीनों प्रेगनेंसी में उनको एबॉर्ट करा देना पड़ा, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना पड़ा क्योंकि तीनों में किडनीज नहीं बन पा रही थी इस कारण से, तो अब इनका जेनेटिक कैरियोटाइपिंग टेस्ट किया गया। तो जब इनका जेनेटिक कैरियोटाइपिंग टेस्ट किया गया तो पता लगा कि फादर के रिपोर्ट्स नॉर्मल थे बट मदर के जीन्स में एक ऐसा लोकस जो किडनी फॉर्मेशन में हेल्प करता था वो नॉन फंक्शनल था, या यूं कहें कि वो मिसिंग था। इसका मतलब कि एज पर सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉडर्न मेडिसिन दे हैड नो ऑप्शन टू रिप्रोड्यूस अ नॉर्मल हेल्दी बेबी। They had no option to reproduce a normal baby, normal healthy baby on their own. So they were advised to go for surrogate mother. तो उनको गायनेक ने सरोगेसी के लिए जाने के लिए सलाह दी। Meanwhile, उनका केस अपने पास आया और हमने उनको उनके कंप्लीट केस टेकिंग के बाद कुछ रूब्रिक्स लिए। रूब्रिक्स थे मैथमेटिक्स इनेबिलिटी फॉर माइंड लेट लेट टू लेट ऑलवेज, रेक्टम डायरिया मिल्क आफ्टर, माइंड स्क्वैंडरिंग, माइंड फियर नैरोप्लेसिन, माइंड यील्डिंग डिस्पोजिशन, माइंड माइल्डनेस, माइंड अफेक्शनेट, माइंड जनरल्स, हिस्ट्री पर्सनल टॉन्सिलाइटिस ऑफ रिकरेंट, हेड परस्पिरेशन ऑफ स्काल एंड रेक्टम कॉन्स्टिपेशन, इनएफेक्चुअल अर्जिंग एंड स्ट्रेनिंग। इन सारे रूबरीज को जब हम क्लब करते हैं तो हमको मेडिसिन मिलती है सिलिशिया। तो सिलिशिया के फ्यू डोजेस 0/1 पोटेंसी में देने के बाद, जो कि हमने बहुत ही केयरफुल केस टेकिंग के बाद ये इस प्रिस्क्रिप्शन पर हम पहुंचे थे, सिलिशिया 0/1 देने के बाद एक साल के अंदर शी डिलीवर्ड अ नॉर्मल हेल्दी बेबी विथ नॉर्मल फंक्शनिंग किडनीज। अब अगर आप इसको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से देखें, या जो मैंने बताया कि सेल्फ प्रोक्लेम्ड मॉडर्न मेडिसिन है, इन हमारी जो पैथोलॉजी की बुक्स हैं, हमारा जो जेनेटिक्स का बुक है, वो कहीं ना कहीं हमको एक लिमिटेशन में बांध देता है कि ये चीज़ संभव है, ये चीज़ असंभव है। लेकिन होम्योपैथी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। होम्योपैथी में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो नामुमकिन है। उस महिला ने सिलिशिया 0/1 की मदद से नॉर्मल बेबी को जन्म दिया। अब वो बच्चा एक साल का हो गया, कुछ ही दिनों पहले उसका बर्थडे हुआ था, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज से कुछ दिन पहले। तो ये होता है सिलिशिया का डीप एक्शन, जेनेटिक रिपेयरिंग तक भी संभव है।